हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको तिल और मूंगफली के लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। तिल जो कि बहुत गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में बहुत फायदा करता है। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम के करीब तिल लिया है, जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली है जिनको मैंने भूनकर अच्छे से छिलका निकाल दिया है और ये अच्छे से साफ हो गई है। ये खोया है, 250 ग्राम के लगभग ये खोया है, इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। आइए अब तिल को भून लेते हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इस पे एक पैन रख दिया है। अब इसमें तिल डाल देते हैं। तिल भूनते समय ध्यान रखें कि गैस को लो पर रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे। तिल को थोड़ी देर ही भूनना है, मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इनको थोड़ा सा बस ये फूल जाए ना, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बस इतनी देर भूनना है। देखिए ये तिल अच्छे से भून गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और तिल को निकाल देते हैं। तिल को मैंने निकाल दिया है और अब मैं खोया को अच्छे से भून लेती हूँ। ये घर पे ही मैंने खोया बनाया है, देखिए ये 250 ग्राम के लगभग है। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। गैस को लो पर ही रखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज 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 लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। देखिए खोया भी धीरे धीरे भुनने लगा है, थोड़ा सा और इसको भून देते हैं। देखिए खोया अच्छे से भुन गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। आधे तिल को मैं साबुत ही रखूंगी और आधे तिल को हल्का दरदरा पीस लूंगी। ऐसे ही मूंगफली को भी हल्का दरदरा साथ में ही पीस दूंगी। आधा रख दिया, आधा पीस लेती हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिया है इसको, थोड़ा सा दरदरा टाइप का, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं किया है, हल्का हल्का दरदरा रखा है इसको। अब इसको इसी में मिक्स कर देते हैं। ये मूंगफली और तिल थे ना, वही दोनों पीसा है मिला के। अब इसमें खोया मिक्स कर लेते हैं। ठंडा हो गया है हल्का सा, थोड़ा थोड़ा गर्म भी रखना है, इससे कि लड्डू बनते समय दिक्कत ना रहे। इलायची, ये 4-5 इलायची मैंने अच्छे से पीस ली है। ये पाउडर शुगर, ये जो मार्केट में मिलता है ना वो है, ये 200 ग्राम के लगभग है। जितनी मतलब मेरा तिल था ना उतनी डाल दे रहे। ये अपने स्वाद अनुसार भी आप डाल सकते हैं, कोई मीठा ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसमें मिक्स कर देते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। अब मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, इसमें एकदम सुंदर गोल सा लगना चाहिए। देखिए इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लेना है, ऐसे ही सारे बना लेती हूँ मैं। देखिए मेरे स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई करें।